आज की हमारी इस क्लासेस भी हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीएम प्रोग्रामिंग और वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बेसिक चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो में बताया था कि रिकॉर्डिंग मैक्रो में क्या कैसे होता है, तो आज हम सर वीवी के कंसेप्ट अभी पर रिकॉर्डिंग आगे शायद बढ़ते हैं। होने कुछ बोल रहे हैं आप लोग सर? वाला, अभी शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, एक बार आप दोबारा कर लीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया, आप लोग शुरू कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट हमने दिया, सब्जेक्ट और मैं आता आ रहा को भी माइक्रो नेम दे देते हैं। माइक्रो नेम देते समय ध्यान रखिएगा कि माइक्रो का जो नेम है वो नेम आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे टेस्ट और स्पेस देके टुडे कर दिया तो ये आपका नेम है नहीं करेगा। नेम के बीच में डॉट डैश कॉमा ऐसे कोई भी स्पेशल करेक्टर को भी जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, इसमें आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए और आपका माइक्रो बन जाएगा। लेकिन माइक्रो तो मॉड्यूल्स में हम सीट पे भी डबल क्लिक करके अपनी माइक्रो बना सकते हैं। बाकी सीट पे डबल क्लिक करके जो आप माइक्रो लिखेंगे, इस माइक्रो का जो कोड है इसके प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी में सेव होने का क्या पर्पस है, इसके लिए आपको पहले जानना होगा माइक्रो की टाइप्स। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में। तो बेसिकली माइक्रो के दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका पब्लिक माइक्रो, जो आप रिकॉर्ड जब रिकॉर्ड करते हैं ये आप कोड करते हैं। जैसे मैंने माइक्रो रिकॉर्ड कर लिया तो ये आपका इसकी जो कोडिंग है ये दिस वर्कबुक, मतलब कि जो वर्कबुक है इसी वर्कबुक में स्टोर हुआ है, या फिर हमने अभी जो प्रोग्रामिंग लिखा है यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग भी इसी में स्टोर हुआ है, राइट? ये इसी में आपका बुक थ्री में स्टोर हुआ है। तो जहां जहां फाइल जाएगी वो हर कोई इस माइक्रो को एक्सेस कर सकता है, भले कोड को एक्सेस ना करे, कोड को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ टूल्स में जाके। टूल्स में जाऊँ और यहाँ पे आपके पास होता है वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और इसमें प्रोटेक्शन में पासवर्ड डाल दूंगा, तो बिना पासवर्ड के कोई कोड नहीं देख सकता, मतलब कि माइक्रो को मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी पर्सन इस माइक्रो को यूज कर सकता है, जो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है वो माइक्रो को यूज कर सकता है। तो इसलिए पब्लिक माइक्रो के कैटेगरी में रखा गया है। और साथ में हम किसी और फाइल पे भी इसको रन कर सकते हैं, किसी और फाइल पे भी हम इसको रन कर सकते हैं। ये आपका माइक्रो का टाइप है। पहला टाइप क्या था आपका? पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो क्यों है? क्योंकि इसकी जो कोडिंग है फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होती है और जहां जहां फाइल जाता है वही वही आपका माइक्रो भी जाएगा। जो फाइल को एक्सेस कर सकता है वो माइक्रो को भी यूज कर सकता है, साथ में ये दूसरे फाइलों पे भी रन होगा। अब यही पे एक प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हम दूसरा टाइप माइक्रो का टाइप यूज करते हैं। जैसे कि अभी आपको बोला कि मैं इस माइक्रो को आरआर माइक्रो को मैं या टेस्ट टुडे माइक्रो को कहीं भी यूज कर सकता हूँ किसी भी फाइल पे, लेकिन मेरा फाइल ओपन होना चाहिए जिस फाइल में मेरा माइक्रो स्टोर है। तो मेरा माइक्रो स्टोर किस में है? बुक टू में है। तो बुक टू ओपन है या बुक वन है? बुक वन ओपन है तभी हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो माइक्रो लिस्ट में दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि अगर आप माइक्रो बनाते हैं और जिस किसी फाइल में सेव करते हैं तो आप एक्सेल के एक टॉपिक का तो इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि ये मान लीजिए आप कॉपी है, पिवट टेबल है, ये ऑप्शन आपका एप्लीकेशन का पार्ट होता है। किसी भी फाइल में नया पुराना किसी भी फाइल में वो आपको दिखता है, ठीक है? किसी नया पुराना फाइल में आपको दिखता है, तो यही पे प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम में हमारे पास होता है पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो में क्या होता है कि माइक्रो का जो कोड है आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहां चूज कर सकते हैं आप यहां से पर्सनल माइक्रो। ये जो कोड है ये कोड किसी फाइल के अंदर सेव नहीं होती है, इस ये सेव करता है आपके सिस्टम के अंदर, ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर, जिससे क्या होता है कि एक ये माइक्रो का पार्ट हो जाता है और किसी भी माइक्रो में इसका इस्तेमाल कर सकते, किसी भी फाइल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फाइल खोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आता है कि आप इस माइक्रो को शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप पब्लिक माइक्रो बनाया, जैसे टेस्ट टुडे वाला माइक्रो बनाया, मैं किसी को भेज सकता हूँ, जो फाइल जाएगी उसके साथ माइक्रो जाएगा, कोई भी यूज कर पाएगा।
लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल पीसी के लिए हुआ होगा, पर्सनल मैक्रो। फिर पर्सनल मैक्रो पार्ट होता है प्राइवेट मैक्रो का। तो प्राइवेट मैक्रो दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पर्सनल मैक्रो, दूसरा होता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो क्या होता है आपका, कि ये आपके इवेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अभी जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा देर पहले कि मैक्रो के कोडिंग हम रूल्स में करते हैं, C1 C2 पे नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते कि C1 पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, इस पे टाइप करेंगे, तो C1 की प्रॉपर्टी में सेव हो जाता है। तो C1 अगर डिलीट होगा तो आपके कोड भी डिलीट हो जाएंगे, इसलिए हम C1 में या C2 के डबल क्लिक करके नहीं करते। तो इस पे क्या करते हैं, तो इस पे करते हैं इवेंट मैक्रो। यहाँ वर्कशीट पे जाएंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे, अब सिलेक्ट करेंगे अपना कोई भी एक, सिलेक्ट कर लीजिए सिलेक्शन चेंज ही, और मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ यहाँ पे कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मेरा कर्सर जहाँ भी जाएगा, सॉरी इस पे है हमारा, वो कौन पे है, जहां भी जाएगा एक कलर हो जाएगा। दिस इज द इवेंट मैक्रो। तो इसका भी यूज है, जैसे आप फाइल में अगर चाहते हैं कि मेरा फाइल ओपन होते ही कोई मैसेज आ जाए, या ओपन होते ही कोई और मैक्रो रन हो जाए, तो इवेंट मैक्रो का प्रोग्राम करते हैं। मैक्रो तीन तरह के होते हैं, पब्लिक मैक्रो, पर्सनल मैक्रो और इवेंट मैक्रो। क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? अनिल जी, अतीश जी एंड पुष्पेंद्र जी, कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं कि आप जब आप मैक्रो बनाते हैं, तो आपके बहुत सारे जगहों पे देखेंगे कि जब कोई मैक्रो लिखता है तो कुछ लोग लिखते हैं यहाँ पे पब्लिक सब। तो यहाँ पे पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, वो सेम ऐसा ही है कि आप वन लिखे चाहे +1 लिखे, दोनों तो वन ही होता है ना। तो पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, अगर हम सब करते तो ऑटोमेटिकली पब्लिक में ही चला जाए। तो माइक्रो हम डिक्लेयर कर, एक मॉड्यूल्स में कई सारे माइक्रो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर में हम कोड माने क्या लिखे, कोड कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच ले लें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्सेल को आप बिल्कुल वीवीए प्रोग्रामिंग को एक लैंग्वेज की तरह सीखें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो भी हम बोलते हैं उसका एक, उस वर्ड का कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह के होते हैं ना। तो उसी तरह इसमें भी होता है, इसका जो होता है ऑब्जेक्ट एंड नंबर, मतलब कि लोकेशन और एक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्क बुक्स डॉट ऐड। अब यहां पे देखिए वर्कबुक इज द ऑब्जेक्ट और ऐड इज द मेंबर, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोकेशन एंड एक्शन में किस पे क्या करना है। इसी तरह से कोई भी अगर कोड लिखते हैं तो मोस्टली चार चार वर्ड से स्टार्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक, तीसरा होता है सीड्स, चौथा होता है रेंज। ये चार, इसको हम थर्ड पिलर ऑफ वीवीए प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन से की कोई सेटिंग है, एप्लीकेशन है कोई ऐसा इवेंट करना है तो एप्लीकेशन हम लेते हैं। अगर हमें वर्कबुक से रिलेटेड करना है, हमने माना न्यू वर्कबुक ऐड करना था तो हमने वर्कबुक डॉट ऐड ले लिया, तो हम वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि अगर सीट पे है तो हम सीट्स डॉट सीट्स का यूज करेंगे, तो सीट पे जो यूज करना होता है। और रेंज, हम रेंज पे जो करना है, जो एक्सेल पे जो काम करना होता है उसको रेंज पे हम करते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज, इससे रिलेटेड आपके चीजें हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट में हम क्या चाहते हैं, चलिए जैसे एक मैक्रो हम रन करें, जैसे हम एक मैक्रो रन करें तो एक फाइल हमारा खुले, उस फाइल का नाम जिस समय हम ऐड कर रहे हैं वो टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पे हम ऐड कर रहे हैं वो टाइम होना चाहिए, और उस फाइल के अंदर उसी टाइम का शीट इंसर्ट होना चाहिए, और उसमें हमारा एक डेटा एंट्री होनी चाहिए।
ठीक है। बेसिकली हम लोग इसका यूज करते थे प्रोटेक्शन के लिए। क्या होता था कि हम लोग जब भी फाइल ओपन करते थे, हम लोगों का फाइल और सेव करते थे, फाइल का पासवर्ड चेंज हो जाता था। वही वही पे प्रोग्राम सेम चीज हम यहां पे आपके साथ करने वाले हैं। तो मैं सिंपल से बता देता हूं कि मेरे पास एक फाइल है, मान लीजिए एक हमारा फाइल है बुक वन है बुक टू जो भी है। तो जब भी मैं इस फाइल को जब भी मैं फाइल को सेव करूं क्लोज करूं, तो क्लोज होते ही मेरा फाइल का पासवर्ड चेंज होना चाहिए, और उस पासवर्ड में वो पासवर्ड हमने क्या रखा है वो दूसरे एक फाइल में स्टोर होना चाहिए, समझे। हम लोग इसकी मेल करवाए थे लेकिन हम मेल यहां पे नहीं कर रहे। तो चलिए एक सिंपल सा फाइल लेते हैं, ये हमारे पास ड्राइव में ये इसमें 2019 के अंदर हम आते हैं। 2019 में मान लीजिए कि एक ई ड्राइव में था, ई ड्राइव में 2019 में इसी को कॉपी कर लेते हैं। में 10 जो लिखा हुआ इस 10 के अंदर में हमारा पासवर्ड का है भाई। ठीक है, सीट वन तो मैं यहां पे एक फाइल ऐड करना चाहता हूं, उस फाइल का पासवर्ड इस पासवर्ड में देना चाहता हूं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया मैं क्या करना चाहते हैं। तो हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, उस फाइल की पासवर्ड जो भी हम पासवर्ड डालें इसमें रखना चाहते हैं, और पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, वो सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि क्या पासवर्ड होना चाहिए। तो इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहां पे सब्जेक्ट क्रिएट प्रोटेक्टेड फाइल नाम से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नई फाइल ऐड करनी है, तो फाइल ऐड करने का कोड होता है वर्क बुक्स डॉट ऐड, और हम फाइल को ऐड करने के बाद हमें सेव करना है। बट कौन सी फाइल ऐड हुई है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, कौन सी फाइल ऐड हुई है इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर हम वर्कबुक सेव करने की बात करें तो वर्कबुक को सेव करने का तरीका होता है कि वर्कबुक्स इसमें हम फाइल का नाम देते हैं कि बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सेव एज, उसके बाद आपका यहां पे पाथ होता है विथ एक्सटेंशन पाथ फाइल नेम और विथ एक्सटेंशन। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा इसमें नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अभी ऐड किया तो बुक वन ऐड हुआ, हो सकता है बुक टू हो सकता है बुक थ्री हो। इसको हम लोग इतना जानते हैं कि जो फाइल ओपन होती है वही एक्टिवेट होता है। तो यहां पर हमने लिखा एक्टिव वर्क बुक्स डॉट सेव एज कर सकते हैं, और फिर यहां पे पाथ और अपनी चीजें दे सकते हैं। तो पाथ हमारा कौन सा है, पाथ हमारा है ए, इसमें स्टोर होना चाहिए ना। और फाइल का नेम होना चाहिए टाइम के हिसाब से। अब टाइम क्या है चलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमने एक टी देता है, टी इक्वल टू नाउ, एक नाउ फॉर्मूला होता है जो कि डेट एंड टाइम दोनों देता है, बट इसमें से मुझे टाइम मतलब कि सिर्फ आवर चाहिए। तो यहां पे हम आवर का फॉर्मूला नहीं, आवर मिनट दोनों चाहिए तो हम दोनों ले सकते हैं। यहां पे हम फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मेट, और इसमें हम बोलते हैं HH-MM।
और यहां पे हम देते हैं कि इसी नाम का फाइल जनरेट होना चाहिए, तो पाथ के साथ हमने इसको डॉट एक्सएलएस एक्स दे दिया। लेकिन इसमें हमें पासवर्ड भी देना है, पासवर्ड भी देना है। उसी तरह से मैं यहां पे करता हूं कि पी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन, और हम 4 डिजिट का पासवर्ड देते हैं, तो यहां पे 111,999, तो 4 डिजिट का कोई भी नंबर बन जाएगा और नंबर पी पे स्टोर हो जाएगा। जब हम फाइल, सर बोलिए, ये जो टी के आगे एंड लिखा है और पीछे एंड लिखा है पाथ के अंदर, ये क्या है बता दो, ये पाथ है और टी के ऊपर नाम होगा, जिस समय मैं फाइल ऐड करूंगा उस समय का नाम और टाइम होगा इस फॉर्मेट में, हाँ का नेम होगा और हाँ वो समझ, एक्सटेंशन होगा नहीं, लेकिन हमें जो ऐड करना है वो पाथ नेम विद एक्सटेंशन ऐड करना है। तो पाथ हमारे पास पता है, नेम हमारा टी दे रहा है, तो एक्सटेंशन हमने लगा दिया। तो तीनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने एंड परसेंट का साइन दिया है। ओके, कॉन्करेंट टाइप, हाँ कॉन्करेंट। ओके, यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन, एक्सेल में आपके पास रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है, होता है ना सर? तो दो नंबर के बीच के अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर निकाल के देगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है। बट ये फॉर्मूला डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आवर्त आपका फॉर्मेट वीवीए का ही फॉर्मूला है तो डायरेक्ट लगा दिया, बट ये एक्सेल का फॉर्मूला है, एक्सेल के सभी फॉर्मूले डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको देखने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया रैंड बिटवीन, और ब्रैकेट ओपन कीजिए, आप देखेंगे कि नीचे एक्सप्रेशन नहीं आएगा। एक्सप्रेशन ये मतलब कि ये फॉर्मूला वीवीए का सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस केस में एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन एंड रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करूंगा, और जो भी इसके रिजल्ट आएगा वो पी पे स्टोर हो जाएगा। और पी क्या है, पी एक तरह का वेरिएबल है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हैं ना, एबीसी एक्स वाई जेड, ये आपका यही एबीसीडी और एक्स वाई जेड है। मुझे इसमें पासवर्ड भी क्रिएट करना है, तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम यहां पे देखिए, हम स्किप करके पासवर्ड पे आते हैं और पासवर्ड पे पी कर देते हैं, पी हमारा पासवर्ड ऐड कर देगा। अब ये पासवर्ड क्या ऐड हुआ मुझे नहीं पता, तो इस पासवर्ड को मुझे कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें फाइल को ओपन करना होगा। तो फाइल ओपन करने का कोड होता है वर्क बुक्स डॉट ओपन, और जैसे स्पेस मारोगे बताएगा कि कौन से फाइल को ओपन करना है। तो हमने बोला मुझे इसमें इस लोकेशन में पास नाम का फाइल जिसका एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन क्या है देख लेता हूं, इसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सलेस एक्स, इसको ओपन करना है। इसमें हमारा पास डॉट एक्सलेस एक्स, इस फाइल को ओपन करना है, और इसके सीट में, अब इसके पहली सीट में हमें जाना है। अब सीट का नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कोई एक ही सीट है, उसी में जाना है। तो यहां पे हम करते हैं सीट्स वन डॉट रेंज 65,000 ए सॉरी यहां पे 81 डॉट वैल्यू इक्वल टू पी। अब प्रॉब्लम यह है कि अब एक बार जनरेट करेंगे तो ठीक है, लेकिन बार बार मुझे इस तरह की फाइल जनरेट करनी होती है, तो बार बार तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्या सर ओवरराइट कर देगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि डॉट सिलेक्ट करते हैं, उस पर चले जाते हैं, और फिर मैं करता हूं कि रेंज 65,000, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू टी, और यहीं पे जीरो हो जाएगा,
ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, मैं बट एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे पी हो जाएगा और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, मतलब सेव कर दिया हमने। लेकिन हमने इस फाइल को भी तो सेव करना है, बंद करना है, तो यहां भी हम एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू करते हैं, इसको सेव करके क्लोज कर देगा। तो यहां पे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि वर्कबुक को क्लोज किया हमने और ट्रू इसलिए किया ताकि वो यस पे क्लिक करके सेव पे करें। फिर हमने फाइल को ओपन किया, उसकी पहले सीट पे गए, पहले सीट में था कि नंबर से पहले सीट पे गए। अब ये दो लाइन आपके लिए नया होगा कि ये क्या कर रहा है। तो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर एक के नीचे हमें देना है, मुझे इसके एक के नीचे देना है। जैसे कि ये नीचे 65,000 पे जाएगा, ए 65,000 पे जाएगा, यहां से एंड है, तो आप कंट्रोल के साथ जो अप एरो करते हो तो वो आपका एक्सल एंड एक्सलस अप हो गया, डाउन करते तो डाउन लेफ्ट राइट हो गया। तो कंट्रोल प्रेस करके हम ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर ऑप्शन क्या करता है कि जहां पे मेरा कर्सर जाएगा वहां से एक नीचे आ जाता है। तो यही यहां दिया गया है कि ए 65,000 से गया एंड ऊपर की तरफ गए और ऑफसेट से वो एक नीचे आ गया यहां पे, और उसकी वैल्यू इक्वल टू हमने टी कर दिया। और फिर हम ऊपर से नीचे गए लेकिन इस बार नीचे ना आके आगे चले गए, क्योंकि ये ऑफसेट में रो एंड कॉलन होता है जैसे नॉर्मल एक्सेल में होता है, उसकी वैल्यू को हमने पी कर दिया, फिर इस फाइल को क्लोज कर दिए। ओके, तो देखिए अब चलिए करते हैं इसको रन और देखते हैं कि हमारा फाइल क्रिएट हुआ या नहीं, और इसको यहां से रन करते हैं। अब हम फाइल को पहले हम देखते हैं कि यहां पे ये देखो 22:38 दिख रहा होगा, 22:38 टाइम पे सेव हुआ, और ओपन होते ही पासवर्ड मांग रहा है, मुझे पासवर्ड पता नहीं है। तो इसकी पासवर्ड सेव है कहां पे, दूसरे फाइल में, दूसरा फाइल जो इस फोल्डर के अंदर में दूसरे लोकेशन पे है, इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं। तो इसके अंदर ये देखिए 22:38 फाइल नेम हो गया, ये पासवर्ड आपका हो गया 18:50, मतलब कि अब मैं फाइल ओपन करूंगा कौन सा 22:38 में नहीं है करने वाले इसके। अब जैसे मैं फाइल ओपन करूंगा ये वाली 22:38, क्या आप पासवर्ड क्या था, 18:50 था ना? हाँ यस सर। इसका यूज हम लोग टू लेयर पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए करते थे। बेसिकली मैं एक वेबसाइट माने कि ई मर्चेंट कंपनी में काम करता था, तो उनके यहाँ कस्टमर के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आती थी, बट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स का फाइल कोई भी ऐसे नहीं खुलेगा। तो होता क्या था, किसी एक के पास फाइल होता था, दूसरे के पास पासवर्ड होता था, समझे? मतलब दो सिस्टम पे फाइल, तो जब मेरा काम क्या था कि मुझे फाइल, मैं उस फाइल को, उस डेटा को सेपरेट करना था कॉलिंग के लिए, तो हम जिस कॉलर टीम के लिए फाइल क्रिएट करते थे, तो एक मेंबर को हम फाइल भेजते थे, दूसरे मेंबर को हम भेजते थे उसका पासवर्ड। जैसे हमने मान लीजिए कि फाइल अगर हमने टीम लीडर को भेज दिया, उसका पासवर्ड हम मैनेजर को भेजेंगे, मतलब कि पता होना चाहिए कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि फाइल कब खुला है, और टीम लीडर के पास को भी पता होना चाहिए कि फाइल कब खुला है। एक को हम फाइल देते थे, दूसरे को पासवर्ड देते थे, और हर दिन ये फाइल प्रोटेक्टेड होता था। यहां तक कि हमने यहां वो भी लगा लिया था कि जब भी ये फाइल खुलेगी, जब भी कोई हमारे कीवर्ड वाली फाइल को खोलेगा, तो मान लीजिए अभी मैं पासवर्ड दे दिया कि भाई 18:50 है, नेक्स्ट टाइम ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे ही इस फाइल को क्लोज करेगा, क्लोज करते ही फाइल को पासवर्ड चेंज करके और मैनेजर को मेल कर देगा कि इतना बस कि इतना मिनट जो फाइल खुली थी उसकी पासवर्ड क्या है। तो नेक्स्ट टाइम उसको फाइल खोलने के लिए उस ईमेल का पासवर्ड, ईमेल चाहिए होता था, उस ईमेल में पासवर्ड होता था, वो पासवर्ड चाहिए होता था।
तो डबल सिक्योरिटी लेयर कर देते हैं। तो इसमें आपने सीखा कि एक तो सीखा कि किस तरह से एक्सेल की फॉर्मूले लगाएंगे, पहली चीज आपने सीखा। तो इसमें आप एक्सेल का वर्कशीट फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई, एक्सेल का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट वर्कशीट का फॉर्मूला के अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन की जरूरत है। जब भी फॉर्मूला लगता है तो एक स्टोरेज पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए कोई एबीसीडी इस तरह का करेक्टर आप दे सकते हैं। फाइल कैसे ऐड होती है, फाइल को कैसे सेव एज करते हैं, फाइल को कैसे क्लोज करते हैं, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, सीट को कैसे सिलेक्ट करते हैं और रेंज पे वैल्यू कैसे डालते हैं और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने आपको आज सिखाया। इसमें कोई डाउट सर, सुधीर सर, ये जो वर्कशीट फंक्शन डॉट रैन बिटवीन वाला जो लाइन है, ये वर्कशीट फंक्शन जो है, जो फॉर्मूला वीबीए के अंदर यूज नहीं होता है, नहीं, उसको कॉल वीवीए के करने अंदर के यूज लिए। नहीं, वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता क्योंकि एक्सेल वर्कशीट ओके होता है, ओके ओके उसको हम यहां से कॉल करते हैं। अच्छा, पुष्पेंद्र जी कोई डाउट आपको? सर हेलो जी बोलिए। सर, मुझे कुछ अगर स्पेशल कैरेक्टर अगर यूज करना हो तो पासवर्ड के साथ पॉसिबल है? हाँ, तो फिर आप वो पासवर्ड कैसे बनाएंगे, उसका उसका तब उसका यूज करना होगा। कैर कोड फॉर्मूला लगा के रैन बिटवीन से कोड लेंगे, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे कुछ जैसे 4 डिजिट ये देगा, अगर मान लो मुझे कुछ स्पेशल जैसे कि कैरेक्टर मुझे भी यूज करना उदाहरण हो से तो इस साथ तरह में। से होगा, मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैंने रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमने दे दिया 4 डिजिट। ठीक है, अब मुझे इसमें एक अल्फा और एक अपर लेटर एक लोअर लेटर का करेक्टर चाहिए, कोई भी। तो रैन बिटवीन के अंदर में आप जो है दे सकते हैं, आपका जो होता है स्काई वैल्यू होता है ना सर, जैसे कि आपका 58 से स्टार्ट होता है, 57 या 58 से स्टार्ट होता है, और आपका ये आई थिंक 90 तक चलता है। इसको अगर मैं कैर के अंदर डालूंगा तो एक लेटर दे देगा अपर लेटर में, और फिर वापस रैन बिटवीन आप लगाते हो तो रैन बिटवीन में आपका जो है 90 से एक 120 तक चलता है, 127 था या 120 के आसपास चलता है, तो ये आपको एक अलग स्पेस स्मॉल करेक्टर देता है, समझे। और ऐसे ही स्पेशल करेक्टर के लिए भी नंबर्स होते हैं, वो आपको स्काई वैल्यू वाला टेबल पे पता चल जाएगा, फिर आपस में कंबाइन कर देते हैं सबको। हो गया आपका? बीबी के अंदर यूज कैसे करेंगे थे इसको? अच्छा, जैसे हमने इसको यूज किया है, वहां भी सपोर्ट करता है, सीएचआर वहां भी सपोर्ट करता है। यूज किया है ना, ऐसे ही उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका पी आ गया, अब इस पी को मान लीजिए कि आपने दे दिया सी कर देता हूँ, सी इक्वल टू एप्लीकेशन। इसमें मैं आपको एक काम करता हूँ ना, इस पे एक वीडियो बना के डाल देता हूँ सर। ओके सर, सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे अभी ये जो टाइमिंग दिखा रहा है वर्कबुक की, जो 24 आवर्स की शो कर रहा है, अगर मुझे 12 के फॉर्मेट में टाइम दिखानी हो सर। एएम पीएम लगा दीजिए आगे, पी आई आर पीछे, ये तो कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट है सर, ये तो आना चाहिए आपको ना। एम 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 ओब्लिक पीएम लास्ट में सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी कोड मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, ओके और कल की क्लास में हम आपके साथ आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, कल सुबह 10 बजे आप लोगों के पास टाइम है,